फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर विश्वकर्मा पूजा वाला ब्लॉग। पता नहीं ये देव डालेगा कि नहीं डालेगा, लेकिन तब भी हम रिकॉर्ड बना ले रहे हैं। और हम लोग जो हैं कहाँ पे आए हैं? ठाकुर जी के पास है, रास्ते के सामने। ये इधर आसपास में रेड़िया ज्यादा है, मतलब मछली की जहाँ पर रेड़ी, ये लोग बोल रहे हैं मछली की, यहाँ पे रेड़ी बोल रहे हैं। मतलब हो सकता है यहाँ पे मतलब मछली निकाला जाता है, बोल रहे हैं नेचुरल है मछली का। यहाँ पर एक्चुअली फिशरीज बोल सकते हो, फिशरीज प्लांट है, फिशरीज प्लांट एक्चुअली। तो फिर आइए आप भी देखिए यहाँ का फिशरी का, मतलब जो भी ये लोग चाशवाश करते हैं मछली का, कैसा लगता है देखने में। ये रास्ते में हम लोग गए थे, विश्वकर्मा का पूजा है आज, तो फिर हम लोग गए थे आज खाना खा के आए, पूजा देख के आए। और बहुत अच्छा खाना था वहाँ का, और बहुत अच्छे से पूजा भी देखा मतलब हुआ। और अभी जो है हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे आ गए थे, तो ये लोग यहाँ पे ले आए रास्ते के बीच में। ये क्या जगह बोलते हैं, बशीरहाट जाने के रास्ते में सापुर जी के पास में, तो ये लोग ले आए। हम तो पहली बार आए हैं, ये लोग तो जाते हैं जब काम से तो रास्ते में पड़ता है। तो आइए देखिए यहाँ पे, यहाँ का व्यू एंजॉय कीजिए। कितना सुंदर है ये रास्ता, बहुत प्यारा है। ये देखिए ये रास्ता ऐसा है, हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। इस साइड भी ये जॉल, इस साइड भी ये जॉल, और ये रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। कुछ हंसो हंसो या हंसो हंसो आज हल्का हल्का बारिश हुआ था, तो इसलिए आज ऐसा ऐसा है थोड़ा सा। अभी क्या टाइम हो रहा है ये देखिए, 5:10 हो रहा है, और 5:10 में यहाँ पे कुछ ऐसा मौसम है, सुंदर ही लग रहा है देखने में, तो काफ़ी प्यारा है। ये कुछ लोग तो यहाँ पे बैठ गए हैं, कहाँ आप ये सुंदर सा व्यू एंजॉय कीजिए, काफ़ी प्यारा सा पानी बह रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ से कार निकल रही है, मज़ा आ रहा है। ब्यूटीफुल सा सनसेट, आज सब लोग बहुत बिजी हैं, आज सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो देव जो है फ़ोन पर बिजी है,
बात कर रहे हैं, आज ही तक थोड़ा सा खाली है। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन अरिजीत का थोड़ा छुट्टी हो गया है, तो आज तक पूरा दिन अच्छे से एंजॉय करा। आज अरिजीत ने मांचो खाया, वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं बना पाए, लेकिन आज अरिजीत ने कुछ ज़्यादा ही मांचो और भात खा लिया है, तो बेचारे का पेट फूल गया है मांचो भात खा के। और आज का खाना भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे था दाल था, मछली था, चावल था, और पटोल चिंगड़ी डाल के, हाँ पटोल चिंगड़ी डाल के, पटोल चिंगड़ी डाल के, और मिष्टी दो टाइप का था, और भी बहुत कुछ था। और सुबह पूजा करा था तो थोड़ा सा आटा खाया था, अरिजीत अपने घर से आटा ले आया था और बतावी लेबू दिखाया था, खूब बड़े बड़े बतावी लेबू और आटा, मतलब ग्रेप फ्रूट, तो काफ़ी अच्छा था वो भी। सुबह खाया शौशा, खाया केला, खाया तो सुबह से खा ही रहे हैं और विश्वकर्मा पूजा एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम लोग का दिन तो मज़ेदार है, अभी हम लोग आगे जो है देखने जाएंगे कहीं पे बड़े वाले, हमने जादवपुर में देखे बहुत बड़े वाले विश्वकर्मा जी थे, तो मेरा बड़ा रुक के देखने का मन है, आप देखो बोलेंगे तो देखिए वो ले जाएगा, तब फिर हम लोग वहाँ वाले विश्वकर्मा जी की फ़ोटो और रील इस क्लिप में शेयर करेंगे और देखेंगे आपको कैसा लगता है। हमको तो बहुत सुंदर लगे, बहुत लंबे से थे, मतलब बड़े थे विश्वकर्मा जी। आज सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, आज तो विश्वकर्मा पूजा यहाँ बंगाल में तो बहुत बड़े तरीके से होती है, हम लोग ही उधर भी होती है, लेकिन हम लोगों में तो ऐसे मूर्ति नहीं आती है। यहाँ पे तो हर रिक्शा स्टैंड बोलिए या फिर जो है टैक्सी स्टैंड बोलिए, सब में जो है बंगाली में तो होता ही है, 12 मासिक पर्व नॉर्थ में भी होता है, लेकिन नॉर्थ में ऐसा वो नहीं आता है, उतना ज्यादा नहीं होता है, बंगाल में होता है। तो यहाँ पर आज मनसा पूजा भी है ऐसे, ठीक है, आज मनसा पूजा भी है, विश्वकर्मा पूजा दोनों ही। सबसे बड़ा सब भूल रहे हो, मोदी का जन्मदिन है, मनाओ। आज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन है। ये देखिए क्या नाम बताया जगह का, क्या लिखा हुआ था, महेश गाती है ये, और ये ऑन द वे पड़ता है बोशी हाट के, ऑन द वे पड़ता है ये। वैसे कोलकाता में तो कहीं पे भी रुक जाओ सब सुंदर ही है। वैसे यहाँ पे ये छोटा छोटा बॉक है, अभी तो छोटा बॉक क्या होता है, दूर से देख रहे तो छोटा हो गया बॉक। मतलब बड़ा बड़ा बॉक है, पास से तो नहीं दिखा इसलिए वो मैंने बोल दिया। बॉक तो बड़ा बड़ा था लेकिन वो कैमरे में छोटा छोटा दिखाई पड़ा, तो इसलिए हमने बोल दिया इसे। फ्रेंड्स आज हम लोग जो है फिर से नॉलबन आ गए हैं, आज विश्वकर्मा है, थोड़ा सा मछली खाने का फिर से मन कर गया तो आ गए। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बोटिंग जोन खुला है, बाकी पता करेंगे अंदर क्या खुला है क्या है, अगर कुछ बढ़िया कुछ बोटिंग जोन कुछ खुला होगा तो फिर हम आपको भी बताएंगे। 30 मिनट का 150 रुपये, तो रेट भी ठीक ही है, सही है मतलब। और यहाँ पे तो ये बहुत बढ़िया है, वही आज भी हम लोग घूमने चले गए थे, आप देखेंगे पहले वीडियो में कि हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, तो शाम के टाइम वहाँ पे थे, जैसे यहाँ पे पहले आते तो अच्छा होता, लेकिन आएंगे अभी आज शाम हो गए, तो ऐसे रैंडमली मछली खाने का मन किया था हम लोग आ गए, तो इसलिए अभी रोशनी में और सुंदर लगेगा। कभी आपको हमने अपने वीडियो में दिखाया नहीं, हम ज़रूर दिखाएंगे आपको। और अभी जो है यहाँ पे ये नया देखा बोटिंग जोन का, तो हमने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दें, 150 रुपये है 30 मिनट का। फ्रेंड्स और एक और बात बताना रह गया था कि यहाँ पे नॉलबन फिश एंगलिंग जोन है, और यहाँ पे आप आराम से मांस पकड़ सकते हैं, और यहाँ पे बैठ के आराम से मांस भी पकड़ा जा सकता है, और इसके थोड़ा सा उधर पे बोटिंग जोन है, वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। और इधर हम लोग चल रहे हैं खाना खाने के लिए, वॉशरूम है यहाँ पे, एक्वेरियम है, और इधर पे बैठने का जगह है, और आप पिछली वीडियो में तो देख चुके हैं, अंदर एसी का भी है, हम लोग वहाँ पे बैठते नहीं हैं, आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे ये इतना सुंदर है और बहुत अच्छा लगता है देखने में, पिछली वीडियो में तो आपने देखा ही होगा, उसमें तो काफ़ी खाने का भी दिखाया था, खाएंगे तो हम लोग वही सब। और ये अंदर एसी का भी है, आप आराम से एसी में भी बैठ के खा सकते हैं। तब हम लोग नॉलबन में आ गए हैं, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये देखिए कितना सुंदर चल रहा है, लग रहा है इसे गाना सुन रहा है तो प्रेस आ जाएगा, तो हम लोग बाद में गाना के लिए कुछ ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे इतना अच्छा सिग्नल है, देखिए पातोड़ी आ गया, हम लोग खाएंगे। यहाँ पे कुछ गाने चल रहे हैं, तो हम लोग जो है आगे हैं, अब हम लोग छात्र को देखने आ गए हैं, देखिए ये दादापुर के छात्र हैं।
सेलिब्रेट करके आ चुके हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।